दोस्तों नमस्कार, घूमोजी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चलते हैं नैनीताल। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है नैनीताल, जो कि दिल्ली से 345 किलोमीटर की दूरी पर है। आज भी नैनीताल जिले में सबसे अधिक ताल हैं। इसे भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूरी जगह झीलों से घिरी हुई है। नैनी शब्द का अर्थ है आंखें और ताल का अर्थ है झील। झीलों का शहर नैनीताल उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इनमें से सबसे प्रमुख झील है नैनी झील, जिसके नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा है, इसलिए इसे झीलों का शहर भी कहते हैं। नैनीताल को जिधर से भी देखा जाए वह बेहद खूबसूरत है। नैना देवी मंदिर। नैनी झील के उत्तरी किनारे पर नैना देवी मंदिर स्थित है, जहां सती की शक्ति की रूप की पूजा की जाती है। नैनी झील के बारे में माना जाता है कि जब शिव सती की मृत देह को लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे, तब जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। नैनी झील के स्थान पर देवी सती की आंख गिर गई थी, इसी से प्रेरित होकर इस मंदिर की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, यह है नैना देवी मंदिर नैनीताल। दोस्तों अब हम चलते हैं नैनी झील। नैनीताल का मुख्य आकर्षण यहाँ की झील है। कहा जाता है कि जब अत्री, पुस्तालय और पुलह ऋषि को नैनीताल में कहीं पानी नहीं मिला, तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा और मानसरोवर झील से पानी लाकर इसमें भरा। इसी झील के बारे में कहा जाता है कि यहाँ डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना मानसरोवर नदी से मिलता है। इस खूबसूरत झील में आप बोटिंग का भी आनंद लेने के लिए ले सकते हैं, तथा यहाँ पर लाखों देशी व विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। झील के पानी में आसपास के पहाड़ों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। रात के समय जब चारों ओर बल्बों की रोशनी होती है, तब इसकी सुंदरता और बढ़ जाती है। दोस्तों एरियल रोपवे नैनीताल का मुख्य आकर्षण है। यहाँ स्नो पॉइंट भी है, और जो कि नैनीताल को जोड़ता है। नैनीताल में मल्लीताल से यह शुरू होता है, और यहाँ दो ट्रॉलियाँ हैं जो सवारियों को स्नो पॉइंट दिखाने के लिए लेके जाती हैं। रोपवे यहाँ की बड़ी खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ता है। हम चलते हैं तल्ली एवं मल्लीताल। नैनीताल के तालों के दोनों ओर सड़कें हैं। ताल का मल्ला भाग मल्लीताल और निचला भाग तल्लीताल कहलाता है। शाम के समय तल्लीताल से मल्लीताल को आने वाले टूरिस्टों का तांता लग जाता है। इसी तरह मल्लीताल से तल्लीताल जाने वाले प्रेमियों का काफिला देखने के लिए मिलता है। जी हाँ दोस्तों, नैनीताल पर्यटक नगर है, जिसे देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों यह है भीमताल। भीमताल महाभारत के भीम के नाम पर यह एक प्राचीन स्थान है। भीमताल के झील के किनारे स्थित एक पुराना शिव मंदिर भी है, जहां भीम पांडवों के काल वनवास के दौरान भीम से मिलने के लिए गए थे। भीमताल जो एक छोटी प्राकृतिक झील है, ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध राजा नाला का महल इस झील में डूब गया था। यह क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। माल रोड। माल रोड झील के एक ओर स्थित है। माल रोड, जिसे अब गोविंद पंत मार्ग भी कहा जाता है, यहाँ बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट और ट्रेवल एजेंसी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने नैनीताल घूमने का विचार बनाना है या आप घूमना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.ghumog.com पर आकर होटल की बुकिंग किफायती रेटों में कर सकते हैं, या हमारे नीचे लिखे हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं चिड़ियाघर। जी हाँ, नैनीताल का चिड़ियाघर गोविंद वल्लभ पंत चिड़ियाघर के नाम से प्रसिद्ध है। 1995 में इसको सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया था, और यह समुद्र तल से 2100 मीटर ऊंचाई पर बसा है।
जी हाँ दोस्तों, काफी वर्षों से यह लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया है। चिड़ियाघर में हिमालय में जानवरों की कई लुप्त प्रजातियां आपको यहां देखने के लिए मिलेंगी, जैसे बंगाल टाइगर, तिब्बती भेड़िए, सांभर, तेंदुए, बिल्ली और हिमालयन भालू जैसे जानवर। इसमें उच्च ऊंचाई वाले पक्षियों का भी एक विशाल संग्रह है, जैसे कि कलिज तीतर, लेडी तीतर, गुलाब की अंगूठी, सुनहरी तीतर और लाल जंगर फ्लो आदि। दोस्तों, अब हम चलते हैं सुसाइड पॉइंट। सुसाइड पॉइंट नैनीताल में सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटन स्थल है। इसको लवर पॉइंट भी कहते हैं। यह एक लोकप्रिय प्रेमी बिंदु स्थल भी है। इसे वास्तव में लवर पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि यह एक रोमांटिक जगह है और बड़ी ऊंचाई पर और सुंदर वातावरण में स्थित है। पर्यटकों द्वारा इस पॉइंट को काफ़ी सराहा गया है। दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोगों ने सुसाइड पॉइंट से कूदकर खुद को मार लिया था। बहरहाल सुसाइड पॉइंट का दृश्य प्रेमी बिंदु से कम रोमांचक नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो को हम आपको समय से दिखा सकें। थैंक यू।